हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए जो मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, बनाने में भी आसान है। सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर ये मिठाई बनके तैयार होगी। ना ज़्यादा सामान चाहिए, ना ज़्यादा मेहनत, और फटाफट बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मूँगफली ली है, और इसको मैंने पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया है, जिससे इसमें जो भी ख़राब मूंगफली वगैरह है सब मैंने निकाल दी है। मूंगफली को पहले ही अच्छे से चेक करके ही आप आज कोई भी मिठाई बनाइए, उससे का पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाता है मिठाई का वरना। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। चलिए अब इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो हम लो फ्लेम पर हमें ये मूंगफली को 7-8 मिनट तक रोस्ट करना है। इसको कलर चेंज नहीं करना है हमें, मूंगफली का वाइट ही रखना है, क्योंकि हमें मिठाई एकदम वाइट कलर की चाहिए। तो इसको आपको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना पड़ेगा। 7-8 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाती है, जब तक ये छिक्कल नहीं निकलने लगता मूँगफली का, तब तक। देखिए हमारी मूँगफली रोस्ट हो चुकी है, छिक्कल निकल रहा है आसानी से, मतलब हमारी परफेक्ट रोस्ट हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसके छिक्कल निकालेंगे। तो देखिए हमारी मूँगफली ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको हाथ से रफ़ करके हमें इसके छिक्कल निकाल देना है, क्योंकि हमें एकदम मूँगफली वाइट चाहिए, तभी हमारी मिठाई एकदम सफ़ेद बनके तैयार होगी। तो ये आसानी से इसके छिक्कल निकल के तैयार और निकल जाते हैं। तो देखिए हमने सारी मूँगफली के छिक्कल निकाल लिए हैं। चलिए अब इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम जार में डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको डालना है, वरना क्या अच्छे से पाउडर नहीं बनेगा और मॉइस्चर छूट जाएगा। और रुक रुक कर आपको पल्स पर चलाना है, तभी एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार होगा। अगर आप एक साथ कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे तो ये मॉइस्चर छोड़ देगी मूँगफली, और एकदम फाइन पाउडर इसका नहीं बनेगा। तो आप रुक रुक कर ही चलाइएगा, तभी एकदम परफेक्ट हमारी मूँगफली का पाउडर बन के तैयार होगा। अब इसको हम छान लेंगे, जिससे हमें एकदम फाइन पाउडर मिले इसका, क्योंकि हमें एकदम फाइन पाउडर चाहिए, क्योंकि हमें एकदम बाजार जैसी मिठाई बना के तैयार करनी है। तो इसलिए हमें एकदम इसका फाइन टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हमें इसी तरीके से सारा मूँगफली का पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। आपको रुक रुक कर चलाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही आप इसको पीसिएगा। हो सके तो आपके अगर आपके पास छोटा वाला जार हो तो आप उसमें पीसिएगा थोड़ी थोड़ी करके, उसमें एकदम अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने सारा पाउडर बना के तैयार कर लिया है, एकदम फाइन पाउडर है हमारा तैयार हो चुका है। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैंने वही फ्राई पैन ले लिया है, अब इसमें 1 कप शुगर डाल देंगे। तो मैंने 2 कप मूँगफली का इस्तेमाल किया है, तो हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। हमें कोई चाशनी नहीं चाहिए 1 तार की या 2 तार की, हमें सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, उतना ही हम इसको पकाएंगे। जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक, और इसमें 1-2 उबाल आने देना है। बस चीनी मेल्ट हो जाए बस इसको उतना ही पकाएंगे। देखिए 1-2 उबाल आ चुका है हमारी चाशनी चीनी में। बस अब इसमें हमने जो मूँगफली का पाउडर बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा पाउडर हम एक साथ ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं, और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब मैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। पर इससे क्या तो थोड़ी मिठाई हमारा टेक्सचर बढ़ जाएगा और खाने में भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारी चाशनी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो इसको सारा काम आपको लो फ्लेम पर ही करना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है। तो ऐसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगती, तब तक हमें इसको पकाना है। तो 2-3-4 मिनट में अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगती है, या जब तक ये मिठाई बनने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती तब तक हमें इसको पका के तैयार करना है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच घी काफ़ी है। तो इस मिठाई को बनाने में ना ही ज़्यादा घी चाहिए, ना ही ज़्यादा कोई सामान की ज़रूरत है, सिर्फ 2-3 चीज़ों में ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। देखिए हमारा बैटर गाढ़ा होता जा रहा है, देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मिठाई बनने की प्रोसेस में आया है कि नहीं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेके हाथ से रोल बना के चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर अच्छे से बॉल इसकी बन रही है परफेक्ट, तो मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। देखिए बॉल बन रही है परफेक्ट, हाथ से भी नहीं चिपक रहा है और बॉल की शेप में भी ये आ रहा है। तो थोड़ा सा हम और चेक कर लेते हैं, ठंडा हो वहाँ से चेक करिएगा वरना आपका हाथ जल जाएगा। देखिए अब परफेक्ट पक चुका है, बस इसको इतना ही पकाएंगे। ये देखो तो कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो मैंने एक तरफ बर्तन को ऑलरेडी घी से ग्रीस कर लिया था। आपको जिसमें सेट करना हो मिठाई को, उसको आप पहले से ही घी में सेट उसको ग्रीस करके रख लीजिए। और सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे और इसको सेट होने के लिए एक जैसा कर देंगे, जिससे हमारी मिठाई एक जैसी इवनली हो जाए।
तो ये चम्मच पे चिपक रहा था, तो मैंने इसलिए अपने बाद में स्पैटुला से इसको पूरा सेट किया है। आपको तुरंत ही सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फटाफट सेट हो जाती है, 10 मिनट में ये पूरी मिठाई बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। मैंने कटोरी में घी लगा लिया है और इसके ऊपर अच्छे से फेर देंगे जिससे इवनली पूरा यानी मिठाई बनके तैयार हो, कहीं से ही मोटी या पतली बन ना बने, और इस पर एक शाइनिंग भी आ जाएगी। तो देखिए हमने अच्छे से इसको अच्छे से इवनली कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ठंडी नहीं हो जाती और थोड़ी सेट नहीं हो जाती। 10 मिनट में ये मिठाई पूरी अच्छे से सेट हो जाती है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा देती हूँ। चाहे तो हम ड्राई फ्रूट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं या सिंपल भी ऐसे ही रख सकते हैं, तब भी ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जैसा चाहें वैसा। इस मिठाई को आप व्रत में खा सकते हैं, अभी सावन का महीना चालू होने वाला है तब भी आप इसको बना के रख लीजिए, आराम से 2-3 महीने चल जाती है, मिठाई ख़राब नहीं होती है और झटपट बन भी जाती है, ज़्यादा सामान की भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ों से ये मिलकर मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस मिठाई को किसी भी फेस्टिवल पर किसी भी व्रत में कभी भी बना के खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई, आसानी से निकल गई, कहीं से भी चिपकी नहीं, एकदम बाजार जैसा टेक्सचर दिख रहा है ना हमारी मिठाई का, तो खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है, कोई कह ही नहीं सकता कि हम बाज़ार से लेकर नहीं आए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है, इवनली सारे हमारे पीसेस कटे हैं और एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुलने वाली मिठाई बनके तैयार होती है। देखिए मैं आपको पूरी निकाल के भी दिखाती हूँ, आसानी से पूरी मिठाई निकल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और ना ही चिपकी रहेगी, और एकदम सॉफ्ट मिठाई बनती है और ना ही बिल्कुल हार्ड बनेगी। चलिए अब इसको प्लेट में लगा देते हैं जिससे हमारी मिठाई देखने में और भी अच्छी लगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए हमने सारी मिठाई प्लेट में सर्व कर दी है, 2 कप मूंगफली में बहुत सारी मिठाई हमारी बन के तैयार हो गई है, जिसको आप व्रत में फेस्टिवल में कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई, चलिए आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया टेक्सचर है, एकदम सॉफ्ट। देखिए आपको तोड़ने पर दिख रहा होगा वीडियो में कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप इसको घर पर सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू।